असलदेव परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है भगवान की कृपया और उनके आशीर्वाद से आप सभी लोग जहां भी हैं वहां सेफ हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आज के इस दौर में कोरोना जैसी महामारी में एसलीबीएस परिवार का हर एक सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सेफ रहे। दोस्तों, मुझे आज आपके लिए संदेश लेके आना पड़ा क्योंकि अभी जो ये दोबारा कोरोना का न्यू स्ट्रेन आया है जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ केस हमारे देश में दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, रोज केस बढ़ते जा रहे हैं और चारों तरफ कोरोना महामारी की चर्चाएं हो रही है कि ये न्यू स्ट्रेन बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, तो इससे हमें कैसे बचा जाए, हमारे एसलीबीएस परिवार का हर सदस्य कैसे इससे बच के रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए मैं आपके सामने ये संदेश आपके लिए लेके आया। दोस्तों, ये कोरोना एक समय था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये चला गया है, खत्म हो गया है, बहुत कम केस हो गए थे, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से आया तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है दोबारा से इतनी तेज गति से कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, लेकिन रिसर्च जब आएगी तो पता चलेगा कि अचानक से कोरोना इतनी तेज गति से कैसे आया। और आज तकरीबन लोग इससे इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में आज रोज केस आ रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसे हल्के में ना लें, सीरियसली लें। हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, उन सबका ख्याल रखें, उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें और खुद भी ज्यादा से ज्यादा सेफ रहे, सुरक्षित रहे और इससे बचे। 100% एसलीबीएस परिवार का हर सदस्य इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। हर व्यक्ति मास्क लगाए, सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें, हर समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश लगातार करते रहें, क्योंकि दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है। अगर साइंटिफिक रिसर्च है कि कोरोना एक महाबीमारी है, महामारी है, जिससे कि हमारे जो फेफड़े, लंग्स वगैरह इनमें पैचेस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक निमोनिया बिगड़ जाता है, तो हम सबका फर्ज है कि हम अपने परिवार के साथ साथ, अपने लोगों के साथ साथ सबको बताएं कि इससे कैसे सेफ रहना है, कैसे सुरक्षित रहना है और हमें खुद को सुरक्षित रहना है। तो मेरी एसलीपीएस परिवार से एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके बड़ी भीड़ ना करें, बड़ी गैदरिंग्स ना करें। सेमिनार, ट्रेनिंग, दस का दम, हर चीज में लिमिटेड गैदरिंग करें। जो हर राज्य सरकार ने जितने भी निर्देश जारी किए हैं कि 50 लोगों की, 25 लोगों की, 10 लोगों की, जो राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किए हैं उन निर्देशों का अनुपालन हम सभी लोग करें और बिल्कुल भी बड़ी गैदरिंग ना करें। और वो छोटी मोटी भी अगर कोई गैदरिंग ना करें तो और अच्छी बात है, और फिर भी अगर आप करते छोटी मोटी गैदरिंग जो राज्य सरकारों ने आपको निर्देश दिए उसके अनुसार, तो वहां बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति ना रहे। दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ये एक बीमारी है, महामारी है, इससे पूरा विश्व पहले भी परेशान था, अब फिर ये नया स्ट्रेन आया है, ये जितनी तेजी से आया इतनी तेजी से चला भी जाएगा। चिंता बिल्कुल ना करें, बस अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, बड़ी गैदरिंग से बचें। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले साल भी जब ये बहुत तेज गति से फैल रहा था तो हमारे एसएमपीएस परिवार ने एक रिकॉर्ड कायम किए थे, सब कुछ बंद था, लॉकडाउन में भी हमारे एसएमपीएस परिवार ने जूम मीटिंग्स कर करके घर बैठ बैठ के जो सेल उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं भेजी वो दुगनी और तिगनी जूम मीटिंग से करी थी। डेली हमारा हर लीडर जूम मीटिंग करता था, डेली जूम ट्रेनिंग करता था और बिजनेस तेज गति से बढ़ा था, बिजनेस रुका नहीं था। तो अब मैं फिर वही कहूंगा कि जैसे पहले साल हमने इससे लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी, अब ये जो दो चार महीने का ये पैनडेमिक रहेगा इसमें भी हम इसमें जीत हासिल करके रहेंगे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, लेकिन बड़ी गैदरिंग्स बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपको मुझसे वादा करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जान है तो जान है, मेरे लिए आज आपकी जान इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए आप सब लोग बहुत इंपोर्टेंट हो। सेहत थोड़ी बहुत डाउन हो जाएगी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगी पूरी जिंदगी पड़ेगी, लेकिन आपका सेफ रहना, सुरक्षित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था, अरे हमारा तो प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है कि जैसा मर्जी सिचुएशन हो तो भी हमारे चीजों की लोगों को जरूरत है। आज लोगों को जिंदगी बचाने के लिए भी हम चाहिए और जिंदगी चलाने के लिए भी, जीने के लिए भी हमारा इसी प्लेटफॉर्म चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग चाहिए। आज बाजार के अंदर आपने देखा है फिर लॉकडाउन लगने लगे हैं, लोगों की नौकरियां फिर जाने लगी हैं, लोग फिर परेशान है। तो ये प्लेटफॉर्म ही है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में रिसेशन नहीं आता तो लोग आएंगे, अपने आप आएंगे, लेकिन आपको लोगों तक सिर्फ मैसेज कन्वे करना है और मैसेज करने के लिए बड़ी भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैसेज जूम मीटिंग से भी कन्वे होता है, मैसेज फोन टू फोन कॉल भी कन्वे होता है, और मैसेज छोटी मोटी गैदरिंग, बहुत छोटी गैदरिंग जो भी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार है उनका अनुसरण करके भी मैसेज रिले हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसने पहले भी लोगों को जिंदगी भी जीने का मौका दिया है और जिंदगी बचाने का भी मौका दिया है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है
कि जो मैंने आपको कहा है कि आप सब लोग पालन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएलपीएस का परिवार का कोई भी सदस्य मेरी बात को डिनाई कभी नहीं करता, ना ही कभी करेगा। दोस्तों, मेरे लिए आप बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सब काम हो जाएंगे, हम सब कर लेंगे, बस थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी बात, आपको पता है कि हमारे कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी के पास वो प्रोडक्ट है जिससे इस महामारी से बचा जा सकता है, अपने आप को सेफ रखा जा सकता है। हमारे पास बेस्ट तुलसी ऑफ दिस वर्ल्ड है, हमारे पास आयुष वात है। इस काढ़े को दाप तुलसी 100% जब भी पानी पिए, तुलसी के साथ ही पिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कि प्लीज तुलसी का पानी ही पिए। आयुष वात जो काढ़ा हमने बनाया, जो बेस्ट क्वालिटी का काढ़ा है, उसको 3 बार दिन में कम से कम पिए। वायरल रोग सुबह और शाम 30-30 ml पक्का लें और रात को सोने से पहले गोल्डन मिल्क पी के सोए। और तो भगवान जाने, परमात्मा जो करेगा वो उसके हाथ में है, लेकिन मुझे इतना विश्वास और यकीन है कि अगर हम ये 4 काम करते हैं, तुलसी का पानी पीते हैं, आयुष्वाद का काढ़ा डेली पीते हैं, वायरल डोप 2 बार पीते हैं, आयुष्वाद 3 बार दिन में पीते हैं, हैंडों को सैनिटाइजर करते हैं, मास्क लगाते हैं, सोते समय गोल्डन मिल्क पीते हैं, तो शायद ये बीमारी हमारे आसपास भी ना आए, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आज आयुर्वेद के पास ही वो ताकत है, हमारे नेचर के पास ही वो ताकत है, हिंदुस्तान की जो ये पद्धति है इसमें ही वो ताकत है जिससे कोरोना जैसी भयंकर महामारी से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके बचा जा सकता है। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या क्वालिटी है, उससे ज्यादा आज आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों, चारों प्रोडक्ट 100% हर सीरियस परिवार का हर घर जरूर लेना। इसके बिना बिल्कुल भी मत रहना जब तक की केस दोबारा से डाउन नहीं हो जाते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बिजनेस भी कर लेंगे, हम जूम मीटिंग से बिजनेस कर लेंगे जैसे पहले हमने किया था, हमें बड़ी गैदरिंग भी नहीं करनी है। और हम अपने आप को सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, मास्क लगाएंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे और बार बार हाथों को धोएंगे और अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। और वक्त वक्त पर मैं आपके लिए आता रहूंगा, हर सिचुएशन में मेरी कंपनी आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आज तक जीतते आए हैं और इस लड़ाई को भी आराम से जीत लेंगे। बस खुद को सुरक्षित रखें, सेफ रहें, मास्क लगाएं। थैंक यू सो मच।